हेलो दोस्तों, आज मैं बनाऊंगी बिना लहसुन बिना प्याज के आलू अंडे की सब्ज़ी। तो इजली बन जाता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। इसीलिए सबसे पहले हम आलू लेते हैं, साफ़ सुथरा कुकर में डाल के सीटी लगा देते हैं। तो आलू के साथ अंडे को भी हमने उबाल दिया, आप छील लेते हैं इसे और बड़े बड़े टुकड़े कट कर लेते हैं। अंडे को भी अच्छे से हमने छील लिया, मसाला थोड़ा छील लिया, हमने जीरा धनिया सौंफ इलायची बड़ी काली मिर्च ले लिया, इन सबको हमने पीस दिया है। तेल गर्म हो गया है, अंडे को फ्राई कर लेते हैं अच्छे से हम चला चला के। अंडा अच्छे से फ्राई हो गया, अब इसे निकाल लेते हैं और इसमें आलू डाल के आलू को भी अच्छे से हम फ्राई कर लेते हैं। ये बचे हुए तेल इसमें आलू को हम फ्राई कर लेते हैं। आलू अच्छे से हम फ्राई हो गया, अब इसे निकाल लेते हैं। हमने इसमें 2 तेज़पत्ता भी ऐड कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा तेल और ऐड करते हैं और इसमें हम डाल देते हैं मेथी के दाने। मेथी के दाने अच्छे से फ्राई हुए, मसाला डाल देते हैं इसमें हम। हमने हल्दी डाला है, लाल मिर्च तीखी वाली डाली है, नमक स्वाद अनुसार डाला है 1/2 चम्मच। आप मिर्च और नमक स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के मसालों को अच्छे से हम भून लेते हैं हाई फ्लेम पे। बीच बीच में इसको हम चलाते रहेंगे, गैस को हमने हाई फ्लेम पे रख के मसालों को हम चलाते रहेंगे बीच बीच में। मसाले हमारे अच्छे से भुन गए, 2 मिनट और भून लेते हैं इसे। अब इसमें आलू को हम डाल देते हैं भुने हुए। इसे भी अच्छे से हम चला देते हैं और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे भी अच्छे से हम भून लेते हैं 2 मिनट के लिए। हाई फ्लेम पर करके इसको चला के हम 1 मिनट के लिए भून लिए हैं। देखिए आलू और मसाले अच्छे से हम भून गए। अब इसमें हम पानी डाल देते हैं। हमने 2 कप पानी इसमें बड़े कप से डाला है, आप पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे हम ढक देते हैं। ढक देने के बाद 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकने देते हैं। आलू को ज़्यादा गलाने जरूरत नहीं, आलू तो पहले से ही गले हुए हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब इसको अच्छे से चलाने के बाद इसको ढक देते हैं। अब इसमें अंडे को ऐड कर लेते हैं। अंडे को ऐड करने के बाद अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं। देखिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ईजी सब्ज़ी बन के तैयार होगी, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाय दोस्तों।